ये देखो भाई, ये मस्ती कर रहा है अपना अलग ही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं भाई घूमने शिमला, और 8 घंटे का हमारा यहाँ से ट्रेवल है। ऑलमोस्ट हम लोग 10 या 9 बजे तक पहुंचेंगे शिमला के लिए। हाँ भाई, सारे एक्साइटेड हो? जितेश माधव तो गाइस अभी शिमला के लिए निकले ही थे और पता चला भाई पोपट हो गया, गाड़ी का पंचर है। तो सबसे पहले अभी लगवाने आए यहाँ पर पंचर। यार अपने साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, जैसे ही निकले हैं पंचर हो गया। बताओ 2 घंटे में कहीं पहुंच रहा था, 5 घंटे। भैया पंचर मिल गया? एक मिला कितने? तो गाइस यहाँ पे पंचर स्पॉट हो गया है। भाई ये देखो पिचकारी मार रहा है। जब तक पंचर लग रहा है तब तक हम सारे खा रहे हैं मोमोज। यहाँ पे असली मोमोज है, चटनी भी निकलती है। देखो ये देखो इसमें चटनी भी निकल रही है भाई। अरे मम्मी नकली वाले खोल के देखो इसके अंदर क्या निकलेगा। देखो नाम मोमोज है बस। हाँ पापड़ वाले और चटनी साथ। पंचर निकलवाने के बाद हम निकल चुके हैं आगे अपनी जर्नी की तरफ। और भाई यहाँ पर खा रहा हूँ मैं परांठे, मम्मी जी गरम गरम बना के लाए थे तो अभी यही खा लेते हैं। सिर्फ है 2 ही परांठे बस मेरे लिए। पिछले 1 घंटे से ना हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, क्योंकि यार ये देखो अभी भी 7 घंटे दिखा रहा है हमें शिमला पहुंचने में। भाई कितना ही ट्रैफिक है यार। पता क्या है, बंद हो जाए ना गाड़ी, मतलब खड़े रहे तो बड़ी दिक्कत होती है, चलते में पता नहीं चलता। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो गाइस अभी 1 घंटा ही हुआ था चलते और फिर से गाड़ी में पंचर हो गया यार, पता नहीं क्या ही हो रहा है आज। तो अभी फिर यहाँ से दिखाते हैं, अब शायद दूसरा टायर पंचर हो गया। अभी इसमें ना दोबारा पंचर हो गया है। 350 रुपए लिए थे उस पंचर वाले ने हमसे, कह रहा था अंदर से पंचर लगाना पड़ेगा, लेकिन इनमें फिर से पंचर हो गया। भाई वो कह रहे थे पंचर ना अंदर से लगेगा, तो इसलिए ना 350 रुपए एक लिए और 50 रुपए एक लिए। और ये टायर देखो अभी 1 घंटा भी नहीं चला और फिर से पंचर हो गया, तो अभी दोबारा लगवाते हैं। भाई क्या करें, इसको देख लो, इसकी शरारते देख लो। अभी यहाँ से ना हम कुछ लेने के लिए रुके थे खाने के लिए, और इसने ना लाइटर जला दिया है। देखो अपने ही बालों में, देखो यहाँ से जल गए। देख इसने बाल जला लिए अपने। देख यहाँ लटका हुआ लाइटर था, ये देख, मैं इसको गोदी में लेकर था, इतनी देर में जला दिया इसने। दोनों बार पंचर लगवाने के बाद अभी निकल पड़े हैं, धीरे धीरे गाड़ी फिर चल पड़ी है। और अभी भी भाई हमें 5.5 घंटे लगेंगे पूरा शिमला पहुंचने में। लेकिन रास्ते में ना एक मस्त ढाबा है, मैंने रील वील में बहुत बार देखा है, तो वो पड़ेगा, तो वहां जाने का मेरा मन भी था, तो वो रास्ते में ही आएगा। तो देखते हैं वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या एक्चुअल में वहां पे वो चीजें हैं या नहीं है। मैं यहाँ आने की बात कह रहा था आपको, ये देखो भाई दी ग्रेट खली ढाबा। तो भाई अंदर मैंने देखा बहुत कुछ है इसके अंदर, CWE रिंग भी बनी हुई है। तो देखते हैं अभी क्या क्या है। भाई ये देखो ये बना है दी ग्रेट खली ढाबा, और यहाँ अपने कुछ प्यारे प्यारे भाई भी मिल गए। देखो कैसा है, पहले आयो आप? हाँ जी आया। कैसा है ढाबा, कैसा है? बहुत बढ़िया। खाना वाना एक नंबर। भाई ये सही है, बिना ड्राइवर के रेलगाड़ी चला रहे हैं। भाई ये तो सही है यार, हटियो हटियो रीते चलाऊ, मैं तेज चलाऊ। पूरी ट्रेन चल गई। ढाबे का तो पता नहीं, अंदर जाएंगे खाएंगे या नहीं खाएंगे कुछ, लेकिन फ्री में झूले खा लेते हैं। चले चलो भाई, ये तो सही है यार। भाई एम्बियंस देखो इसका कितना प्यारा है, ये CWE की रिंग जिसके अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। और हृदय को देखो ऊपर चढ़ गया भाई आते। तो भाई यहाँ पर देखो खली सर के पोस्टर लगे हुए हैं मस्त मस्त यहाँ पे, लेकिन खली सर नहीं है, चंडीगढ़ गए हैं भैया बता रहे हैं। तो यार मिलने की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल पाई हमें, बट हाँ भाई ये देखो थाली का प्राइस है यहाँ पर 1600 रुपए की एक थाली है, लेकिन भाई सबको पूरी हो जाएगी भैया बता रहे हैं। मतलब अगर आप 4 से 5 मेंबर हो तो आप एक थाली लगवा लो बढ़िया, 1500-1600 रुपए की थाली है, मस्त आपको पूरी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या क्या आएगा थाली में। आप अंदर घुस गए? अरे यार अंदर कैसे घुस गए? के अंदर अलग से खाना खाने का प्राइस है 1100 रुपए सिर्फ अंदर बैठने का है, और हृदय अंदर घुस गया है, इसके भी पैसे लोगे? ये देखो भाई ये मस्ती कर रहा है अपना अलग ही। क्या कह रहे हो? बैठ गया, मैनेजर से पूछा आपके लिए। किससे पूछा है? हमारे लिए। हम बैठ सकते हैं फ्री में? पक्का? अरे वाह यार ये तो सही हो गया, भैया कह रहे हैं फ्री में बैठ सकते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे तो मस्त चीज हो गई अपने लिए, अपने को भैया ने फ्री में कह दिया कि अंदर बैठ सकते हो, 1100 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके, मतलब बस थाली का चार्ज देना है हम लोगों को। आ जाओ बॉक्सिंग मैच कराएंगे आज मम्मी और आपका। घर में तो चलते ही इतने सालों से, आज यही हो जाए रिंग में। खोलने का रास्ता नहीं है भाई, इसी के अंदर जाना पड़ता है। माधव जितेश तुम्हारे पास बॉक्सिंग रिंग है, लड़ लो जितना लड़ सकते हो। वो भाई लड़ाई शुरू हो गई। पापा चले गए भाई मस्त। मम्मी आप भी जाओ, आप कैसे जाओगे? मम्मी कह रहे कैसे जाना है। मम्मी को बॉक्सिंग रिंग में उतार दिया आज। हृदय आ जाता है भाई देखो। तो गाइस अभी आ गए यहाँ पर ग्रेट खली थाली, और भाई थाली के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 तो सब्जियां हैं। मीठे के अंदर गुलाब जामुन है, ये क्या है, रसमलाई है, और ये रायता है, दही है, और सैलेड देखो भाई कितना मस्त है। ये खली सर खा सकते हैं, हम तो नहीं खा सकते, ये खली सर ही खा सकते हैं भाई।
ये देखो भाई, और हरिदा ने इसमें नींबू डाल दिए। पापा आप खा लो क्या केले? तू खा लेगा भाई? जो खाएगा उसको 1500 का इनाम मेरी तरफ से, पूरी थाली। मम्मी कह रही 1500 हम चले ले, हम नहीं खाएंगे। और भाई भैया ने ना हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया है भाई, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट बताया भाई, सबको खाना पूरा हो जाएगा। और कुछ नान वान अलग से लेना होगा तो वो भी ले लेंगे। तो गाइस रिदा तो एक ही चीज खा रहा है बस, गुलाब जामुन ठंडा करके दे दिया इसको मैंने तोड़ के, तो यही खाएगा ये। रिदा गुलाब जामुन खा लो ना, बहुत ऊंचा है रिदा, ये गिर मत जाना आप नीचे, मुंह टूट जाएगा आपका। आराम से खेलना ना। मम्मी खाना बताओ कैसा है? बढ़िया है ना खाना, मजा आ गया भाई खा के। खाना कैसा लगा तेरे को? बहुत टेस्टी है ना भाई, वर्थ इट है खाना, सच बता रहा हूँ, बहुत वर्थ इट है। गाइस ये देखो क्या ले रहे हो, ये कहाँ है? तो गाइस ये देखो यहाँ पे ना पूरा फ्रिज भरा हुआ है कोल्ड ड्रिंक का। तो हरिदा को कल मैंने मना किया था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, तो इसने एक बार भी हमको कहा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक लेनी है, बस ऐसे खाली हाथ लेके आ रहा, कह रहा है ये देखो कोल्ड ड्रिंक पापा, ये देखो नौटंकियां कर रहा है कि किसी तरह दिला दे। लेकिन मैं भी ठीक हूँ भाई, मैं नहीं दिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। आपको क्या समझाया था मैंने कोल्ड ड्रिंक कौन पीते हैं? हृदय हृदय क्या हो गया इसको, नाटक देखो क्या हुआ। कोल्ड ड्रिंक पीने से ना बच्चे बेकार हो जाते हैं, दूध पीते हैं, दूध पी के कैसे डोला दिखाते हैं। यस, तो कोल्ड ड्रिंक कैंसिल। तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया है, अब निकलते हैं शिमला के लिए। और अभी भी ऑलमोस्ट हम लोगों को लगेंगे 4-4.5 घंटे है ना, नहीं ज्यादा लगेंगे, तो 11-11.5 बज जाएगी हम लोगों को पहुंचते पहुंचते। तो गाइस आगे जा रही है एक थार और एक डिफेंडर, और भाई दोनों मस्त रेस लगा रहे हैं, देखो दोनों गाड़ियां, कभी थार वाला आगे निकल जा रहा है, कभी डिफेंडर वाला। थार वाला भी नहीं मान रहा भाई, डीट है, थार छोटी है यार, भाग नहीं पाएगी इतनी तेज। ओ भाई थार वाला आगे निकल रहा है, नहीं भाई नहीं निकला, नहीं निकल नहीं पाया। बट हम क्यों रेस लगा रहे हैं, हम क्यों पीछे जा रहे हैं इनके? हम भाई बना रहे हैं ना, हमको शूट कर रहे हैं। अच्छा हम शूट कर रहे हैं इसलिए इनके पीछे जा रहे हैं। तो गाइस अभी अभी ना रास्ते में ना गाय को ठोक रखा था भाई किसी ने, तो अभी उसको साइड करने जा रहे हैं यार, कोई और ना ठोक दे यार, फटाफट चलो भाग के चलो यार। लेफ्ट 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 भाई, ये देखो किसी ने ठोक दिया इसको, पानी यार पानी, उधर करे उधर करते हैं, रुको मैं उठा दो, मैं आता हूँ रुको। तो गाइस वहां से गाय को ना अभी साइड कर दिया है, और भाई देख के गाड़ी चलाया करो यार, देखना बेचारी को कितनी लग गई है यार। यार काफी बुरा लगा, हमें लगा कि बच जाएगी, पानी वानी पिलाएंगे साइड कर देंगे तो, लेकिन भाई जितने सांस लिखे हो यार, जब हम आए थे तब तो सांस ले रही थी, लेकिन यार बचा नहीं पाए यार, हम क्या कर सकते हैं यार। और जिस गाड़ी में लगी है ना, उस गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल है, वो गाड़ी थी भी एम्बुलेंस पेशेंट लेके जा रहे थे, और भाई वो गाड़ी भी एम्बुलेंस थी और पेशेंट लेके जा रही थी, बताओ। तो गाइस ये खड़ी एम्बुलेंस जिसके अंदर पेशेंट था, इन सबको भी चोटें आई हैं, सबको चोट लग गई यार। तो गाइस अभी जो है शिमला है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, और भाई 90 किलोमीटर दूर पे ही ना चेकिंग है, यहाँ पे देखो गाड़ियों में से डंडे वंडे निकाल रहे हैं अगर किसी की गाड़ी में है तो। खैर हमारी तो फैमिली है, हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से शुरू हो गया है अभी पहाड़, और कल दिन में दिखाएंगे आपको भाई मस्त पहाड़ों की सैर कराएंगे। तो अभी तो हम लोग पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएगी, बट इस बार मैंने सब कुछ बुक किया हुआ है, तो दिखाता हूँ क्या बुक किया इस बार। तो गाइस अभी देख सकते हो हम लोगों का जहाँ जाना है अभी भी 3.5 किलोमीटर है, और यहाँ के रोड्स देखो भाई कितने डरावने रोड्स लग रहे हैं यार, और हम लोगों को भाई 11:30 भी बज गई है ना आते आते, अभी 10 घंटे लग गए हम लोगों को यहाँ पहुंचते पहुंचते, पर यार रस्ते बहुत खतरनाक से लग रहे हैं, डरावने रस्ते लग रहे हैं यार। तो गाइस अभी आए हैं हम यहाँ पर, एंट्री करी है हम लोगों ने, तो भाई हम लोग यहाँ आए हैं स्पेशली क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने का, वो मैं सुबह के व्लॉग में दिखाऊंगा कि कल क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। दे क्या देख रहे हो? आती फिश दिख गई, क्या खाती है? दाने खाती है मछलियाँ, अरे वाह आपको पता है। तो गाइस ये विला रहने वाला है हमारा, तो अंदर आते ही देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल जाते हैं कुछ फ्रूट्स खाने के लिए और कुछ यहाँ पे बिस्किट वगैरह। कैसे लगे रूम्स आपको? रूम तो सही है, थक गए 10-12 घंटे लगे। हाँ अब मस्त रेस्ट करो, खाना खा के रेस्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो डिनर एरिया बिल्कुल ही अलग है, डिनर लंच यहीं कर सकते हैं, चेयर टेबल सब कुछ लगी हुई है, मतलब रूम से अलग। देखो वो है ड्राइंग रूम और यहाँ पर है डिनर एरिया भाई। तो गाइस अभी लग चुका है हमारा यहाँ पर डिनर, तो अभी डिनर करेंगे और फिर मस्त रेस्ट करेंगे। और हृदय को देख लो शरारते ना, आके फ्रिज खोल रहे कभी कुछ कर रहा है। हृदय बैठो खाना खाओ, पहले आओ ना यार, पहले खाना खा लो, बच्चा नहीं हो मेरे यार, मेरे बच्चे नहीं हो, पक्की बात है, मैं आपसे नाराज हो गया। अब खा लो, हाँ खा लो, ये खा लो चलो। तो भाई इसको कोल्ड हो रखा है हृदय को, पता नहीं फ्लाइट में ना एसी ज्यादा तेज था तब से इसको कोल्ड हो गया। भाई ये क्या खा रहा है? भाई ये कैसे गुलाब जामुन गरम वाले? तो भाई ये देखो यहाँ पे क्या खा रहा है, गरम गुलाब जामुन और ठंडी आइसक्रीम, भाई बीमार होने वाले काम कर रहा है। हाँ फिर ठंड लग जाएगी, मुझे मत कहियो। तो भाई अभी बैठ के कर रहा हूँ मैं एडिटिंग, और कल आपको जिस कॉटेज में हम रुके हैं ना उस पूरे कॉटेज का टूर दूंगा, बहुत मस्त है, बहुत प्यारा है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से।